ये यशोधरा नगर का वार्ड नंबर 3 का इलाका है। हाँ, 5 साल का, 10 साल का, 15 साल होते हुए आ रहे हैं। ये रोड की दशा की दशा ऐसी की ऐसी है। ना जाने यहाँ पे कितने एक्सीडेंट हुए, ना जाने कितने बच्चे गिरे, ना जाने कितने बच्चे जख्मी हुए, हाँ ना जाने कितने लेडीज यहाँ से गाड़ी से जाती हुई गिरी। और ये आजू बाजू में यहाँ पे रेसिडेंसी लोग रहते हैं, इनके घरों में नाले का पानी जा रहा है, गटर का पानी जा रहा है, और बारिश में तो यहाँ से सैलाब जा रहा है। क्या है ये, क्या है ये कार्य जो है? हाँ? वो वंदे भी चौक का शुरू हो गया। हाँ, विकास कार्य वंदे भी चौक का शुरू हो चुका, वहाँ तक रिंग रोड तक के हो चुका, यानी हाईवे हाईवे हो रहा है। और जो हाईवे से लग के जो एरिया के अंदर रोड आ रहा है उसका क्या होगा? वंदे भी नगर, हाँ, चौक पे विकास कार्य शुरू हुआ है आज से। आज आज ही से शुरू हुआ ना, आज से वंदे भी चौक का कार्य चालू हुआ है। लेकिन इधर का कब होगा, इधर का कितना, 5 साल होते हुए आ रहे इधर का, और उसके और ऊपर बोले तो चलेगा। हाँ, मेन दिक्कत रोड के अलावा जानी और हानि भी नुकसान है। कई बच्चियाँ यहाँ पे स्कूल की जाती हुई बच्चियाँ गिरी, हाँ स्कूल के बहने लोग गिरी, लेडीज गाड़ी चलाती है, लेडीज गिरे, कई ऑटो यहाँ पे सवारी वाले ऑटो पलटी हो चुके हैं, कितना नुकसान होगा ये जी। तो क्या है असल बात, चुनाव जो है कारपोरेशन का वो आगे बढ़ गया है, वो आगे बढ़ने से जो काम चालू थे वो बंद कर दिया गया है। अब चुनाव के नज़दीक आएगा जैसे तो ओसेगा रोड का काम चालू हो जाएगा, फिर उत्ते में सब आएंगे, ये हमने कराए वो बोलेगा हमने कराए, ये बोलेगा हमने कराए। ये चुनाव के वजह से काम चलता हुआ काम रोक दिया गया है, क्योंकि चुनाव आगे बढ़ गया है। यही काम अगर चुनाव अभी टाइम रहता अभी का, तो ये काम अभी का स्पीड से काम चालू जैसा हुआ था अभी तक तो ये हो जाता था। बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, ये सब राजनीति है, इसी की वजह से लोगों को तकलीफ, और घरों में नल के पानी में गटर का पानी जा रहा है, लोग बच्चे बीमार हो रहे हैं, बीमारी का धन है। अंदर भी पानी आ रहा है, क्वार्टर के अंदर पानी आ रहा है, अंदर तक आ जाता है, अंदर आ जाता है, यहाँ तक के पानी रहता है अंदर में, क्वार्टर के अंदर में। मेन है नाली का काम है कि नहीं, पहले नाली करो, पहले नाली बनाओ। नगर सेवक क्या बोलते हैं? नगर सेवक, नगर सेवक तो आके नहीं देख रहे, एक भी नगर सेवक नहीं आ रहा यहाँ पे, कोई नहीं आ रहा, कितना भी बोलो, मैं वो कोई एक ही नगर सेवक, चार चार नगर सेवक है यहाँ पे, है ना, एक भी नहीं आ रहा। चुनाव लेट के वजह से रोड का काम लेट होगा, मैं सभी को बोल दे रहा हूँ। इससे अच्छा अपना अपना यही काम है कि चक्का जाम कर दो यहाँ, तो दो चार दिन, उसके बाद सब काम चालू हो जाएंगे। मान लो आपको ये कहा जाए कि भाई विकास कार्य तो शुरू हो गया, बंदे ये हो गया है, हम मानते हैं इस बात को, ये कितने दिन चलेगा? 15 दिन? अभी कंटिन्यू चलेगा ये, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी यही बोलती है। 2018 में मुझे बोला गया था कितने, 2018 में के रोड का काम अब चालू होने वाला, जब माजरी का रोड पुलिया जब चालू हुआ था, जब ही उस टाइम बोल दिया गया था अगले महीने से चालू हो रहा। अब 2018 से ये रोड का काम अब चालू हुआ, आप बताओ मेरे को 6 महीने के अंदर में काम चालू होने वाला, ये 4 साल 3 साल लग गए इसको, तो अब इसकी कौन गारंटी लेगा? लोग कितनी तकलीफ में हो रहे, ये आप खुद देख रहे हैं। यहाँ जो विकास हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं, हमको होए या मत हो, जो गटर का जो पानी आ रहा है उससे जो गड्ढे हो रहे हैं लोगों को समझ आता, उससे तकलीफ है। और गटर लाइन तो चेंज करवाना चाहिए इनको, 4 इंची का पाइप जो पहले से डाले हुए, 30 साल हो गए इसको, 30-40 साल जो भी हुए, वो 6 इंची कब तक बर्दाश्त करेगी? और गड्ढे बहुत ज़्यादा हो गए, गड्ढे हर महीने मेरे गाड़ी के काम निकलते हैं, इस पर 100 का पूरे बढ़ जाते हैं, क्योंकि मेरा खुद टाटा ऐसी है, टाटा इसके पूरे चक्के ऐसे बढ़ जाते हैं। और पंचर तो होते हैं, पंचर भी होते ही रहता है हमेशा, पर ये गड्ढे कब बूझेंगे पता नहीं। ऑटो यहाँ से गुजर रहा है, देख लो देख लो, देखो ऑटो कैसे घुमा के ले जाना पड़ता है, थोड़ा सा आगे ला लीजिए, इधर गड्ढा पार कीजिए, बिल्कुल बिल्कुल गड्ढा पार कीजिए। यहाँ का कुछ नहीं होने वाला है, बिल्कुल आश्वासन दिए गए, कार्य शुरू भी हो गया। अच्छा ठीक है, देखो अभी कुछ बोलना चाहेंगे गड्ढों के बारे में? क्या बोलेंगे, क्या तकलीफें झेलते आप लोग रोज? कई लोग गाड़ी पंचर हो रही है हमारी हर दिन, बस
बताओ ये सब पूरे बोलना है यहाँ पे सालों से यहाँ पे पूरा करके रखे, रोड बना रहे नहीं, आधा काम छोड़ दिए, आधा काम करके रख दिए, पूरा रोड पूरे खराब, पूरा पानी दो दिन गाढ़ पानी आ जाता, जमा हो जाता, पूरा गड्ढे पूरा खराब, यशोधरा नगर से पूरा रोड खराब, डिगुदान चौक से पूरा यहाँ तक रोड पूरा खराब है। काम शुरू हो चुका ऐसा बताया गया है? कहाँ काम चालू है, पाइप पड़े, पूरा सामान पूरा आपके सामने पड़ा हुआ है, अभी आधा काम वहाँ चालू करे वहाँ छोड़ दिए, यहाँ पे आधा काम छोड़ दिए, अभी रोड की तरफ बच्चे बुच्चे को आने को जाने को तकलीफ होती है। कौन से चैनल में आएगा भाई? ये न्यूज़ अलार्म को क्या क्या तकलीफें झेलते ऑटो वाले जब भी यहाँ? हेलो, यहाँ पानी वानी सब भरा हुआ है, गाड़ी चलाने में बहुत तकलीफ हो रही है, गाड़ी के नुकसान हो रहे हैं। तो क्या क्या तकलीफें झेलते हैं हमारे? अरे रोज गिर रहे हैं हम ढेर ले लेके यहाँ पर, गाड़ी ले लेके तकलीफ बहुत ज्यादा तकलीफ है यहाँ।